दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो तो सरकार ने आपका काम आसान कर दिया है, आपका बिजनेस करना आसान कर दिया है, आपको बहुत बड़ी तोहफा दिया है, बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तो आज वित्तकुंड के माध्यम से जानते हैं कि ये सरकार की जो बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है, बहुत बड़ा तोहफा क्या है और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो और कैसे सरकार ने आपका बिजनेस करना आसान कर दिया है। दोस्तों जब भी हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अगर हमारा बिजनेस पुराना है तो उसको बढ़ाने के लिए और अगर हमारा बिजनेस हम नया करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पूंजी की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो उस पूंजी के लिए हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए। बैंक वाले साहब हमें बोलते हैं कि साहब हम आपको लोन दे सकते हैं लेकिन आप हमें कोलेटरल सिक्योरिटी क्या दोगे। दोस्तों कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि बैंक आपको जो पैसा देता है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उस ऋण को सुरक्षित करने के लिए बैंक आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है। आपसे कोई ऐसी दुकान या मकान मांगता है जिसको बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रख सके। बहुत सारे भाई बंधुओं के पास जो है दुकान मकान या ऐसी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती जो बैंक में गिरवी रखी जा सके। बहुत सारे बंधुओं के पास कोलेटरल सिक्योरिटी होती है लेकिन बैंक के नियम अनुसार जो है उसको बैंक में गिरवी नहीं रख सकते। तो हमें लोन कैसे मिले, हमें कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं? तो दोस्तों सरकार की स्कीम है सीजीटी एमएससी की फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। दोस्तों ये CGTMSE जो है ये सरकार का एक फंड है, सरकार की एक योजना है जो आपकी गारंटी लेती है, आपकी गारंटी लेती है बैंक लोन को सुरक्षित करने के लिए और बैंक वालों को ये गारंटी देती है कि साहब को आप लोन दे दीजिए, अगर ये लोन आपका ख़राब हो गया, NPA हो गया, ये साहब जो है आपका लोन किसी का नहीं भर पाए, साहब का काम धंधा अगर नहीं चला तो हम आपको पैसे देंगे, आप जो है इनको लोन दे दीजिए। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, तो सरकार जो है ये CGTMSE डिपार्टमेंट जो है आपसे इसके बदले एक फीस वसूलता था। दोस्तों CGTMSE जो है वो MSME मंत्रालय के अधीन है। दोस्तों आपसे मोटी जो है फीस वसूली जाती थी लेकिन दोस्तों अब सरकार ने जो है आपको खुशखबरी दी है। पहले जो है ये ट्रस्ट जो है वो सिर्फ 2 करोड़ तक के लोन की गारंटी लेती थी लेकिन अब वो 2 करोड़ तक का लोन जो है वो 5 करोड़ कर दिया गया है। मतलब सरकार जो है ये CGTMSE डिपार्टमेंट जो है आपकी 5 करोड़ की गारंटी जो है वो ले सकता है। और दोस्तों जो फीस लेता था, जो फीस वसूली जाती थी आपसे, उस की धनराशि भी जो है वो फीस भी जो है काफी कम कर दी गई है। पहले बहुत बड़ी फीस लगती थी, अब जो फीस है वो जो आप लोन अमाउंट लेते हो उसका 0.37 पैसे मतलब 37 पैसे से लेकर 1.35 रुपया तक जो है वो फीस आपसे ली जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लोन राशि कितनी है, वो डिपेंड करता है कि भाई आप SC ST OBC माइनॉरिटी या फिर वोमेन आप किस कैटेगरी से आते हो, वो डिपेंड करता है कि जिस कैटेगरी में आप लोन लेना चाहते हो पिछला रिकॉर्ड क्या है, उस सेगमेंट में कितने लोन NPA हुए हैं, तो उसके आधार पे जो है आपसे फीस वसूली जाती है। तो खुशखबरी ये है दोस्तों कि वो 2 करोड़ की राशि 5 करोड़ कर दी गई है और जो पहले फीस जो है आपसे ज़्यादा ली जाती थी उस फीस को भी जो है कम कर दिया गया है। अब फीस जो है वो 37 पैसे से लेकर 1.35 रुपये जो है आपके लोन अमाउंट का फीस के रूप में वसूला जाता है। मान लीजिए आपका लोन अमाउंट है 10 लाख रुपए, तो आपसे 1.35 रुपये के हिसाब से या जो भी सेगमेंट में आप आते हो उसके हिसाब से फीस ली जाती है। तो दोस्तों वो फीस जो है वो 37 पैसे से लेकर 1.35 रुपये तक हो सकती है। तो दोस्तों खुशखबरी है, आप 5 करोड़ तक का लोन जो है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के ले सकते हो। तो दोस्तों MSME क्या होता है? दोस्तों MSME जो है वो क्लासिफिकेशन है, MSME मंत्रालय इसको करता है, उसमें
जो माइक्रो यूनिट है और जो समाल यूनिट है वही CGTMSE के अंतर्गत आती है। माइक्रो यूनिट का मतलब ये होता है कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें आपने अगर इन्वेस्टमेंट जो किया है वो 1 करोड़ से नीचे है और जो आपका सालाना टर्नओवर है वो 5 करोड़ से नीचे है तो वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में 10 करोड़ रुपए तक का है और आपका सालाना टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ तक का है तो वो बिजनेस जो है वो समाल यूनिट कहलाएगा। तो दोस्तों खुशखबरी है MSME के लिए, आपकी जो क्वालिटी सिक्योरिटी की जो राशि है, जो CGTMSE का कवरेज है वो 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है और फीस जो है वो 35 पैसे से लेकर 1 रुपये 35 पैसे तक जो है आपके लोन अमाउंट की कर दी गई है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आशा है और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाए होगे और अपना बिजनेस जो है वो समूह तरीके से जो है आप कर पाओगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहाँ वित्त है वहाँ वित्तकुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।